तो गाइस फ़ोन चाहे आगे से हो या पीछे से हो, उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जैसा गाइस देख सकते हैं, मैं यहाँ पर मी इलेवन की डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ और मेरा फ़ोन ये कई बार गिर चुका है, पर टूटा एक बार भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैं इसमें एक हार्ड केस यूज़ कर रहा हूँ और एक टेम्पर ग्लास यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों टेम्पर ग्लास यहाँ पर स्क्रैच तो हो चुका है, क्रैक हो चुका है, पर दोस्तों हमारे फ़ोन की स्क्रीन में यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। इस वजह से दोस्तों मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप लोग एक अच्छी क्वालिटी की टेम्पर ग्लास और बैक कवर यूज़ करें। तो बैक कवर के बारे में दोस्तों मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पर दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग कहाँ से एक अच्छी गेमिंग टेम्पर ग्लास अपने डिवाइस के लिए परचेस कर सकते हैं। और दोस्तों ये बिल्कुल एक इंडियन प्रोडक्ट होने वाला है। जैसे आप देख सकते हैं, आप लोग को जो पैकेट देखने को मिलता है यहाँ पर, आप लोगों को तिरंगा के झंडा देखने को मिल जाता है, इंडिया की दोस्तों यहाँ पर निशानी देखने को मिल जाती है। और जब आप लोग इस पैकेट को यूज़ करेंगे तो आप लोगों को सही प्रोडक्ट उसमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक टेम्पर ग्लास देखने को मिलता है और फ़ोन की बैक स्क्रीन देखने को मिलता है। तो बैक स्क्रीन दोस्तों मैं यहाँ पर अप्लाई नहीं करूँगा, क्योंकि मैं एक ऑलरेडी अपने फ़ोन में बैक स्क्रीन को यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं ये वाला बैक स्क्रीन यूज़ नहीं करूँगा। पर दोस्तों हमारा जो टेम्पर ग्लास है वो टूट चुका है, इस वजह से मैं यहाँ पर रिप्लेस कर रहा हूँ। और उसे मैं यहाँ पर जो 9D गेमिंग टेम्पर ग्लास देखने को मिलता है दोस्तों, जो avarika.com से देखने को मिलता है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा, बाय कर लीजिएगा। तो हमें यहाँ पर अप्लाई करने वाला है। तो इसे अप्लाई करने से पहले दोस्तों हमें यहाँ पर दो वाइप देखने को मिलता है, वेट और ड्राई, जिससे हम लोग अपने फ़ोन की स्क्रीन को अच्छी तरीके से क्लीन कर लेंगे, वाइप कर लेंगे, ताकि जो भी डस्ट पार्टिकल वगैरह है वो हमारे फ़ोन से यहाँ से रिमूव हो जाए। क्योंकि दोस्तों अगर डस्ट पार्टिकल रहेगा तो हमारे फ़ोन में ये टेम्पर ग्लास अच्छी तरीके से पेस्ट नहीं होगा, अप्लाई नहीं होगा। तो हम दोस्तों इस सभी डस्ट वगैरह को अच्छी तरीके से क्लीन कर लेंगे। और दोस्तों जो केस में यहाँ पे हमें देखने को मिलता है दोस्तों, उस केस को लगा के हम लोग अपने फ़ोन में इस टेम्पर ग्लास को अप्लाई करेंगे, ताकि जो एजेस वगैरह है वो अच्छी तरीके से हमारे फ़ोन में अप्लाई हो जाए। तो अगर आप लोग के पास भी कोई कवर वगैरह है तो आप लोग कवर लगा कर टेम्पर ग्लास को अप्लाई करें, ताकि जो आपके एजेस हैं वो अच्छी तरीके से आपकी अलाइन यहाँ पर हो जाए। तो मैं यहाँ पर अगर आप लोग केस के बारे में जानना चाहते हो दोस्तों, तो ये एक शॉक प्रूफ वाला केस है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, चेकआउट कर लीजिएगा। पर दोस्तों उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसेस बताता हूँ कि किस तरह से हम लोग अपने फ़ोन में टेम्पर ग्लास को यहाँ पर गेमिंग टेम्पर ग्लास को अप्लाई करेंगे। तो देख सकते हैं हमें जो कैमरा नॉच देखने को मिलता है दोस्तों, वो यहाँ पर बिल्कुल कटआउट देखने को मिलता है। यहाँ पर दोस्तों आपकी जो डस्ट वगैरह है आपके इस नॉच वाले एरिया में फंसेगा नहीं। पहले दोस्तों जो हमें डॉट नॉच वाला देखने को मिलता था दोस्तों, अगर उससे अप्लाई करते थे तो हमारे वहाँ पर डस्ट वगैरह बैठ जाता था। पर दोस्तों अगर इसमें आपका डस्ट बैठता है तो आप इसे ईजिली क्लीन कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी दोस्तों यहाँ पर कटआउट देखने को मिल जाता है, और ये एक मैट फिनिश वाला टेम्पर्ड ग्लास देखने को मिल जाता है। और दोस्तों अप्लाई करने के बाद अगर आपके फ़ोन में कहीं भी छोटे मोटे बबल्स देखने को मिलते हैं, तो आप लोग अपने उंगलियों के थंब के प्रेशर से बाहर की तरफ सही प्रेशर को, जब बबल्स को बाहर की तरफ प्रेशर डालेंगे तो सारे बबल्स वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। और दोस्तों टच वगैरह की बात करते हैं, जैसे दोस्तों ये एक मैट फिनिश वाला गेमिंग टेम्पर्ड ग्लास है, तो आप लोग को टच काफ़ी स्मूथ देखने को मिल जाता है। मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ टच वगैरह, तो दोस्तों काफ़ी स्मूथ यहाँ पर देखने को मिला है। दोस्तों जो भी मैं केस टेम्पर ग्लास वगैरह यूज़ करता हूँ दोस्तों, वो काफ़ी स्मूथ यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और दोस्तों ये वाला भी आप लोगों को काफ़ी स्मूथ देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर बैक स्क्रीन तो मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं ये वाला ये अप्लाई नहीं करूँगा। पर दोस्तों अगर आप लोग इसे परचेस करेंगे तो आप लोग अपने फ़ोन में से अप्लाई जरूर कर लीजिएगा। तो एप्लीकेशन उसके लिए भी एप्लीकेशन है, किस तरह से अप्लाई करते हैं उसके ऊपर भी वीडियो है, उस वीडियो को चेकआउट जरूर से कर लीजिएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया हुआ है परचेस करने का, बेस्ट बाय लिंक आपको देखने को मिल जाए, तो वहाँ से परचेस कीजिए। और दोस्तों कमेंट में बताइए कि आप लोगों को ये टेम्पर्ड ग्लास, गेमिंग टेम्पर्ड ग्लास कैसा देखने को मिला है।